जगह का पूरा डिटेल्स यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप फोन करके भी पूरा डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ का आने का जो एड्रेस है वो कैसे आएंगे और पैकेज कितना है वो भी आप बता दीजिए। अगर गाड़ी में आते हो आपको शंकरपुर का जो रास्ता है 14 माइल, वहाँ से आ जाना पड़ेगा। तो वहाँ से नेस्ट आपका बाएं तरफ होगा, सीधा आने से आपका नेस्ट बाएं तरफ, दाहिने तरफ आपका यू टर्न लेके मरीन ड्राइव रोड में, वहाँ से यहाँ 6 मिनट लगता है टोटल। 6 मिनट, हाँ 6 मिनट। हम गाइड कर देंगे और गूगल मैप में भी दिखाने से वो एकदम यहाँ तक दिखा देंगे। और अगर ट्रेन से कोई आता है तो न्यू दीघा स्टेशन में उतर के हम लोग टोटो भेज सकते हैं, या तो वहाँ पे सिंडिकेट का भी टोटो है, भाटिया देखिए 200 रुपया लेता है वहाँ से यहाँ तक। रिजर्व 15 मिनट रिजर्व, हाँ, क्योंकि 5 जन होते से भी जो पैसा, क्योंकि ये तो थोड़ा ऑफबीट है, यहाँ पे आपको वो नहीं शहर में नहीं मिलेगा, तो आपको उसमें आना पड़ेगा। और अगर गाड़ी में बस में कोई आता है तो उसको ड्रॉप होना पड़ेगा विश्व बांग्ला गेट में, वहाँ से आपको टोटो मिल जाएगा। वहाँ पे टोटो का कोई स्टैंड नहीं है, कोई गाड़ी से बस से आता है तो हमको बोल देना पड़ेगा, हम टोटो का नंबर दे देंगे। वहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगता है, 100 रुपया लेता है। और यहाँ का चार्जेस वगैरह कितना? चार्जेस कॉटेज का है 1550 करके हो रहा है फेब्रुअरी से, तो पर हेड डबल शेयरिंग में, और 3 जन रहने से आपका 1350 करके, और टेंट में आपका 1250 फ्लैट। 5 जन का ग्रुप टेंट है, 4 जन का है, 3 जन का है, 2 जन का है, जो भी लेंगे फ्लैट आपका ये रहेगा 1250। सब रूम का रेट एक ही है, सेम ही है, बट वुडन कॉटेज पहले सेल हो जाता है, हमको मालूम नहीं क्यों, हम सबको बोलेंगे इंटीरियर सबका सेम है। अब भी रह चुके हैं चाचरा में, तो इंटीरियर सबका सेम, ये बैम्बू है बट इंटीरियर देखिए आप पूरा ही सेम है, एकदम सेम है, खाली आउटसाइड लुक डिफरेंट। प्राइस सेम रहेगा मगर अगर बुकिंग हो जाए तो नहीं मिलेगा एक्चुअली। हाँ, जो पहले हो जाता है, कोई अगर कोई ना अभी जो बुकिंग करता है कोई बोल देता है वीडियो में देख के हमको वुडन चाहिए, तो उनको उस हिसाब से अलॉटमेंट करना पड़ता है। अगर कोई नहीं बोलता है तो जो खाली रहते हैं हम अलॉटमेंट कर देते हैं। फाइन फाइन, ऐसे होता है। थैंक यू, रेट सबका सेम है। थैंक यू, बहुत मजा आया इधर। okay, बहुत एंजॉय किया, फिर आएंगे जरूर, दोस्तों जरूर। को लेके आएंगे। ओके, अगर बुकिंग मिले तो। काकू आशी ताले, दीदीरा आशी सबाई, थैंक यू, टाटा। হ্যাঁ, আবার আসবো, খুব রান্না বান্না খুব ভালো হয়েছে, ভালোভাবে রান্না বান্না করো, আবার আসবো, চিন্তা নেই, আরো বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আসবো। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং গাইস। जाएंगे दीघा, दीघा से बाद ताजपुर, ताजपुर के बाद जाएंगे मंदारमुनी। कितना टाइम होंगे उतने टाइम के अंदर सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होंगे तो खाना है खा के निकलना है। यहाँ से 2 से 3 बजे के अंदर हम लोगों को निकलना है। और एक चीज, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना और प्यार बांटना। और हम लोग घुस चुके हैं दीघा जाने वाले रास्ते पे, और कितना किलोमीटर है दिखा रहा है, 2.7 किलोमीटर बाकी है भाई। बहुत साल पहले 2010-11 में मैं आया था दीघा में, तब तो भाई क्या था, अब तो क्या हो गया भाई, पहचान ही नहीं पा रहा, मतलब रिकॉल कर रही, कुछ सच नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये दीघा था क्या हो गया। गए थे दीघा सी बीच देखने के लिए, फिर क्या क्या मरीन लाइफ को
पकड़ लिया हम लोगों ने, तो उधर से हम लोग आ गए फिर शंकरपुर, शंकरपुर के बगल से हम लोग निकलते निकलते आ गए अभी ताजपुर। ताजपुर का सीरीज भी देख लिया, शंकरपुर का तो देखा ही था, दिखा था तो ऑलमोस्ट देख लिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदारमणि, जो रह गया है 12 किलोमीटर है इधर से, और 32 मिनट टाइम दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम। समुद्र के किनारे से बाइक ड्राइव करने का मजा ही कुछ अलग है भाई, मजा ही कुछ अलग है। क्या शानी, एक अलग सी फीलिंग्स आ रही थी भाई। एक बच्चे का ज्यादा टाइम नहीं है, हाथ में 2 घंटा ही है, इसके बाद निकलना पड़ेगा। वैसे भी बहुत आगे ही आगे हम लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदारमणि, करीबन 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर आगे आ गए हम लोग। वो लगे आइलैंड, वाओ, यहाँ से दिखा रहा है मंदारमणि स्ट्रेट है 10 किलोमीटर। ब्रिज का नाम है जलदा ब्रिज, बहुत डेवलप्ड हो गया इधर, बहुत बड़ा ब्रिज है ये, बहुत बढ़िया है। देखो चारों तरफ फिशरी ही फिशरी है, मतलब यहाँ से मच्छी का व्यापार होता है, इधर फिशरी बोलते हैं ये इस जगह को। लगा है जैल, लो ये पुलिस चौकी है मंदारमणि का। लग गई वे, लग गई वे, 3 किलोमीटर क्या पूरा जैम के अंदर ही है क्या? जब तो जाएगा 15-20 मिनट तो चला जाएगा। यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, मैप में तो ये दिखा रहा है। देखिए कछुआ मर गया है, हम लोग मंदारमणि बीच से निकल रहे हैं अभी। बहुत ही मजा किया, 4 बज चुके हैं यार, करीबन 2 घंटे तो गुजार दिया है बीच पे, घर जाते जाते 10 बज जाएगा। चलो बहुत एंजॉय किया, बहुत ही एंजॉय किया है कल से लेके आज तक। स्पेशली थैंक्स टू सालिनी, आप मुझे ले चलो दीवा अपने नए बाइक से, बाइक पे और भी ट्रिप करूँ। बाइक पे ट्रिप करने का मजा ही कुछ अलग होता है। अलविदा दीवा, अलविदा मंदारमणि, अलविदा शंकरपुर, अलविदा स्कालिन टेम्पल, जहाँ पे हम लोग रुके थे, बहुत ही बढ़िया जगह था। तो आओ रुको और बताओ मुझे, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा।
टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।